हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। दिस इज बबीता, योर EVS टीचर। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड अंडरस्टूड अबाउट सेफ्टी हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल्स एट होम। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। ओके, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड मीनिंग कि हम जब रोड पे जाते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए। ठीक है, द सेफ्टी रूल्स विच वी शुड फॉलो आर, हेयर आर सम रूल्स वी शुड फॉलो व्हेन वी गो टू द रोड और मार्केट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। This is very important thing we should follow. We should follow the traffic rules. जब आप रोड पे जाते हो तो बहुत आप देखते हो गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स मीन्स वहाँ पे ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उन्हें आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है। सो सम ट्रैफिक रूल्स आर देयर, सो वी शुड फॉलो दैम। ओके, Always walk on the footpath or on the right side of the road. There is no footpath. Always walk on the footpath. Footpath, okay? Or on the right side. This is the most important thing when you are going to walk on the road. So you should always right side of the road. You should walk on the right side of the road. There is no footpath. If there is footpath, then it is okay. You should walk on the footpath. If there is no footpath, then you should walk on the right side of the road. आप road के right side में चलोगे, ठीक है? We should always wear helmet while riding a two-wheeler. Helmet reduces fatal and serious head injuries up to 45%. We should always wear helmet. आप अपने पापा को देखते होंगे जब वो अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो वो हेलमेट पहनेंगे, because it is necessary. Helmet wearing is necessary. We should always wear helmet while riding a two-wheeler. Riding मतलब चलाना, bike चलाना, car चलाना, ठीक है? Riding a two-wheeler. Two-wheeler किस में होते हैं बच्चों? Scooter में होते हैं, in motorcycle, in cycle. So, two-wheeler जब भी चलाएंगे तो helmet पहनेंगे, ठीक है? Helmet reduced की meaning कम करना. Fatal की meaning क्या होती है? फैटल एक बहुत डेंजरस एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है? एंड सीरियस हेड इंजरीज की बहुत ज़्यादा सीरियस तौर पे हेड इंजरीज होती है, उसको रिड्यूस करती है हेलमेट। 45% हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट अगर होता भी है तो इंजरी होने का बहुत कम खतरा होता है, ठीक है? इसलिए हेलमेट पहनना चाहिए। ऑलवेज यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा इन दिस पिक्चर, दिस इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ओके, जब रोड पे आप जाते हो तो ट्रैफिक लाइट के पास एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, या फिर रोड पे जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है उसकी मीनिंग क्या होती है? हमेशा वहीं से रोड क्रॉस करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आप इधर या इधर से नहीं करोगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के इधर से करोगे। वाई बिकॉज ज़ेब्रा क्रॉसिंग आने से पहले गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है? ये ट्रैफिक रूल्स का एक रूल है, गाड़ियों की स्पीड कम हो जाएगी तो आप इजिली रोड क्रॉस करोगे। So always use the zebra crossing to cross a road. Cross the road only when the traffic light is green. आप cross कब करोगे? जब traffic light क्या होगी? Green होगी. ओके, सो ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगी तभी आप क्रॉस रोड कर सकते हो। अगर ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो मतलब आपको वहाँ रुकना है। क्रॉस
the road only when the vehicles have stopped moving. Cross the road. आपको road कब cross करना है? When the vehicle have stopped. जब vehicles आपकी stop हो जाएंगी move करने से, जब वो चलना बंद हो जाएंगी, so then you can cross the road. Okay? We should stand in a queue at the bus stop. You should stand in a queue at the bus stop. ऐसे भी आपको हमेशा जब आप खड़े होते हो, specially bus stop पर, तो आपको queue में खड़ा होना चाहिए. Why? Because इससे crowd नहीं होगा और आपको injury नहीं होगी. कोई आपको आपको चोट नहीं लगेगी. अगर आप भीड़ कर दोगे और बस में धक्का मुक्की से घुसोगे तो आपको चोट लग सकती है. ठीक है? So always stand in a queue at the bus stop and also in a school line. जब आपका departure time होता है या arrival time होता है और नीचे से ऊपर आपको भेजा जाता है, ऊपर से आपको नीचे भेजा जाता है, then you should also stand in a queue and go in a queue. Okay? ऐसे आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी. We should get in the bus one by one. जैसा मैंने पहले कहा बच्चों, we should stand in a queue and go get in the bus one by one. One by one आप बस में चढ़ोगे. We should enter the bus only when it stops. We should enter the bus. हम बस में कब चढ़ेंगे बच्चों? जब वो stop होगी. ठीक है? When it stops. Never keep your head or hand out of the window on of a bus. Never keep. हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अपना head and hand out of the window. Window के बाहर. Bus से नहीं निकालना चाहिए. Okay? You should not keep your head or hand out of the window of a bus. We should never travel on the footboard of the bus. What is footboard? आप जब बस पे चढ़ते हो तो उस पे सीढ़ियाँ टाइप होती हैं, वो footboard होता है. ठीक है? We should never travel on the footboard. हमें वहाँ पे कभी भी खड़े होके travel नहीं करना चाहिए. Never travel on the footboard of the bus. When riding a bicycle, never ride just behind a moving vehicle. When riding a bicycle, never ride, कभी नहीं चलाना चाहिए just behind a moving vehicle. कोई vehicle जा रही है, बड़ी vehicle specially, जैसे car हो गया, truck, bus, these are kind of big vehicle. So never ride just behind bicycle. Okay? Bicycle उन vehicle के आगे कभी पीछे नहीं चलाना चाहिए. Ride your bicycle on the bicycle track. Bicycle चलाने के लिए हमेशा एक bicycle track होती है. Always give a signal before taking a turn to avoid accident. Always give a signal. आपके bicycle में bell होती है, घंटी, वो आपकी signal का काम करती है. आप उसे जब आपको turn लेना हो तो आप घंटी बजाओ या फिर right hand दिखाओ. बहुत सारे सिग्नल होते हैं जब आपको मूव लेना होता है, टर्न, कौन से टर्न लेना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है या फिर आपको बैक जाना है. सो आपको सिग्नल दे के करना होगा. ठीक है? और आगे पीछे भी देखना होगा. सो दीज आर सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. लुक एट दिस पिक्चर. फॉलो ट्रैफिक रूल. जैसा मैंने ट्रैफिक रूल्स के लिए कहा था, फॉलो ट्रैफिक. दिस ही इज ट्रैफिक पुलिस. ओके? सो इसका काम क्या है? ये ट्रैफिक होने नहीं देते हैं और ट्रैफिक बहुत रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाते हैं. ठीक है? ये इंस्पेक्शन करते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो और लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें. इन नेक्स्ट पिक्चर, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड. वॉक ऑन द राइट साइड, दिस इज राइट साइड. ओके? ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड. बीच में नहीं चलना है, लेफ्ट साइड नहीं चलना है. लेफ्ट साइड गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं. ठीक है? तो राइट साइड चलना हमेशा. नेक्स्ट पिक्चर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है. हेयर पिक्चर ऑफ, दिस इज पिक्चर ऑफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. सो ऑलवेज क्रॉस द रोड, यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ओके? इन नेक्स्ट पिक्चर, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. सो स्टैंड ऑलवेज इन अ क्यू एंड गो वन बाय वन. गेट इन द बस वन बाय वन. ओके? इन नेक्स्ट पिक्चर, डू नॉट कीप हेड आउट. दिस इज रॉन्ग. ओके? डू नॉट कीप
योर हेड आउट और हैंड आउट, आपको अपने हाथ भी नहीं निकालने हैं और कोई चीज भी बाहर नहीं फेंकनी है. नेक्स्ट, डू नॉट ट्रेवल ऑन फुटपाथ. सो दिस इज फुटपाथ, फुटबोर्ड. सो डू नॉट ट्रेवल, ये बहुत गलत बात है, ऐसे कभी भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए. क्या होता है बच्चों, इससे इंजरी हो सकती है. ओके, एंड दिस इज द पिक्चर. नेवर नेवर ट्रेवल, नेवर राइड अ बाइसिकल बिहाइंड अ मूविंग व्हीकल. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, थैंक यू.